दोस्तों आज के इस वीडियो में एयर इंडिया एक्सप्रेस एयरलाइन का वेब चेक इन करने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं, यानी कि बोर्डिंग पास आप कैसे डाउनलोड करेंगे लाइव प्रूफ के साथ यहां पे दिखाने वाला हूं एक बोर्डिंग पास में डाउनलोड करके। इसी के साथ साथ कैसे आप फ्री में सीट सेलेक्ट करेंगे, खाना पीना कैसे बुक करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं डेस्कटॉप के स्क्रीन के ऊपर और एक वेब चेक इन करके मैं आपको लाइव दिखाता हूं। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हम गूगल पे सर्च करेंगे एयर इंडिया एक्सप्रेस, और ये जो एयर इंडिया एक्सप्रेस का ऑफिशियल वेबसाइट आ रहा है इसको हमें ओपन कर लेना है। और ये हम आ चुके हैं ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, और ये रहा वेब चेक इन का ऑप्शन। यहाँ पे चेक इन वाले ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करते हैं। आप चाहे तो इस वेबसाइट से फ्लाइट भी बुक कर सकते हैं, मैनेज बुकिंग कर सकते हैं। मैनेज बुकिंग का मतलब ये हुआ कि सीट चेंज कर सकते हैं या खाना पीना ऐड कर सकते हैं या और भी काफी चीजें कर सकते हैं। अब देख लीजिए, फाइनली हम आ चुके हैं वेब चेक इन वाले ऑप्शन के ऊपर। वेब चेक इन करने के लिए दो जानकारी हमें चाहिए होगा, जिसमें आ जाता है सबसे पहला पैसेंजर का फर्स्ट नेम या लास्ट नेम, या आप ईमेल आईडी डाल सकते हैं या आप मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद दूसरा चीज चाहिए होगा पीएनआर नंबर, जो कि आप किसी भी एप्लीकेशन या वेबसाइट से फ्लाइट टिकट बुक किए होंगे तो पीएनआर नंबर मिल चुका होगा। तो वहां से ये दो डिटेल आपको ले लेना है, और दोनों डिटेल एंटर करके यहाँ पे हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। चलिए फटाफट से डिटेल फिल करके आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हमने यहाँ पे डिटेल फिल कर लिया है, यहाँ पे हमने ईमेल आईडी फिल किया है और पीएनआर नंबर फिल किया है। चलिए आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। चलिए उसके बाद यहाँ पे बुकिंग खुल के आ चुका है। हमारे इस पीएनआर नंबर के ऊपर तीन पैसेंजर का नाम लिस्टेड है, यानी कि एक टिकट में हमने तीन लोगों का टिकट बुक किया था और तीनों का नाम यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे देखिए क्लियरली मेंशन है नॉट चेक इन, यानी कि चेक इन नहीं हुआ है, अभी हमें वेब चेक इन कंप्लीट करना है। इसी के साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लाइट बुकिंग करते समय ही हमने सीट सेलेक्ट कर लिया था। सीट का टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, सीट तो आप फ्लाइट बुकिंग के समय भी सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद वेब चेक इन के समय भी सीट सेलेक्ट कर सकते हैं, या अभी अगर सीट सेलेक्ट नहीं करते हैं तो एयरलाइन अपने तरफ से कोई भी एक फ्री वाला सीट आपको अलॉट कर देता है जो भी खाली रहता है। और इस पेज के ऊपर आप चाहे तो सीट चेंज भी कर सकते हैं या सीट नया एड भी कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है कि आप खाना पीना एड कर सकते हैं, जिसका पेमेंट अभी करना होगा, जो कि खाना पीना आपको फ्लाइट में सर्व किया जाएगा। इसी के साथ यहाँ पे देख लीजिए केबिन बैग 7 किलो और चेक इन बैग 15 किलो आप ले जा सकते हैं। तो चलिए हम तीनों पैसेंजर के आगे ये जो नॉट चेक इन है यहाँ पे हम क्लिक करते हैं ताकि चेक इन वाला ऑप्शन इनेबल हो जाए। उसके बाद देखिए जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो तीनों पैसेंजर का कॉन्टैक्ट डिटेल और डेट ऑफ बर्थ हमें फिल करना होगा। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, पहला पैसेंजर का यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिल करना है। आप यहाँ पे चाहे तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सभी पैसेंजर में सेम डाल सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ आपको डेफिनेटली अलग अलग ही डालने पड़ेंगे। चलिए एक एक करके सभी पैसेंजर का हम डिटेल फिल कर लेते हैं और नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद देखिए इस पेज के ऊपर बताए जा रहे हैं कुछ ऐसे आइटम जो आप फ्लाइट के अंदर नहीं ले जा सकते हैं, चाहे केबिन बैग में चाहे चेक इन बैग, जिसमें सबसे पहला आ जाता है एक्सप्लोसिव, यानी कि ब्लास्ट होने वाला कोई सामान या फ्लेमेबल लिक्विड हो गया, या यानी कि आप इस तरीके समझ लीजिए कोई ऐसा सामान जो किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, जैसे कि ब्लेड हो गया, कैंची हो गया, चाकू हो गया, सिलेंडर हो गया, माचिस हो गया, चुंबकीय कोई पदार्थ है या आग लगने वाला कोई पदार्थ है, तो वो सब चीज आप नहीं ले जा सकते हैं फ्लाइट के अंदर, और वही चीज यहाँ पे बताए जा रहे हैं। तो यहाँ पे सारा कुछ हमने समझ लिया है, तो एग्री एंड कंटिन्यू को पर क्लिक करते हैं। फिर देख लीजिए फाइनली हमारा वेब चेक इन कंप्लीट हो चुका है हमारे पीएनआर नंबर का, और डाउनलोड बोर्डिंग पास का यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या आपने जो पैसेंजर का ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिया था तो मोबाइल नंबर के ऊपर यानी व्हाट्सएप के ऊपर पीडीएफ भेज दिया जाता है आपके बोर्डिंग पास का, या आपने जो ईमेल आईडी दिया था उस ईमेल आईडी के ऊपर भी बोर्डिंग पास रिसीव हो जाता है, वहां से पीडीएफ को सेव कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और उसी पीडीएफ को दिखा करके आपको टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री मिलेगा, जिसके लिए सीआईएसएफ का स्टाफ आपका एक आईडी प्रूफ चेक करेंगे और आपका ये जो ऑनलाइन वाला बोर्डिंग पास है ये देख करके आपका एंट्री कर देते हैं टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर, और इसी बोर्डिंग पास से आप टोटल जर्नी कंप्लीट करेंगे। कोई मैटर नहीं करता है किस एप्लीकेशन या किस वेबसाइट से आपने फ्लाइट टिकट बुक किया है। इसी के साथ साथ आप अगर फिजिकल बोर्डिंग पास लेना चाहते हैं तो जैसे ही टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री करते हैं तो आपको बहुत सारे एयरलाइन का काउंटर दिखेगा, वहां पे आपको एयर इंडिया एक्सप्रेस के काउंटर के ऊपर जाना है और आपको बोलना है मुझे फिजिकल बोर्डिंग पास चाहिए, तो वो आपका पीएनआर नंबर पूछेंगे, आईडी प्रूफ देखेंगे और आपको फिजिकल बोर्डिंग पास प्रिंट करके दे देंगे। वो मना नहीं कर सकते हैं और ना ही इसके लिए कोई चार्जेस पे करना होगा आपको। हाँ, वो ये जरूर कहते हैं कि आप ये जो ऑनलाइन वाला बोर्डिंग पास है इससे भी ट्रेवल कंप्लीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप कहोगे तो वो फिजिकल बोर्डिंग पास भी प्रिंट करके दे देते हैं। इसी के साथ साथ एयरपोर्ट के ऊपर आपको बोर्डिंग पास के अकॉर्डिंग ही चलना होगा, यानी कि डिपार्चर टाइम क्या है, बोर्डिंग गेट बंद कितने बजे होगा, कितने बजे आपको बोर्डिंग गेट के पास पहुंच जाना है, कितना नंबर गेट से आपका फ्लाइट डिपार्चर करने वाला है, ये सारा इंफॉर्मेशन आपको बोर्डिंग पास के ऊपर देखने को मिल जाते हैं। चलिए तो एंड में बात कर लेते हैं, अगर आपके बोर्डिंग पास के ऊपर
नंबर बोर्डिंग गेट नहीं प्रिंटेड है, यानी कि कितना नंबर गेट से आपका फ्लाइट डिपार्चर होगा नहीं लिखा हुआ है। तो इसके लिए क्या करना है कि टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो आपका जो फ्लाइट नंबर आपके बोर्डिंग पास के ऊपर है, तो एयरपोर्ट के अंदर बहुत सारे डिस्प्ले लगे होते हैं जहां पे फ्लाइट का स्टेटस दिखाया जाता है, वहां पे आपको देख लेना है आपका जो फ्लाइट नंबर है उसका बोर्डिंग गेट क्या है। तो पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि जैसे ही आप फिजिकल बोर्डिंग पास प्रिंट करवा लेते हैं तो वहां पे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपका बोर्डिंग गेट भी प्रिंटेड रहता है आपके बोर्डिंग पास के ऊपर। या तीसरा ऑप्शन ये रहता है कि आपको SMS के थ्रू भी नोटिफाई किया जाता है कि आपका बोर्डिंग गेट क्या है। तो बस दोस्तों, आप भी कुछ इस तरीके से एयर इंडिया एक्सप्रेस एयरलाइन का वेब चेक इन कंप्लीट कर सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लिए ताकि मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।